Hello student, today I am going to teach you painting chapter number 2, history and appreciation of art from 7th AD to 12th AD part 2. So, जो यहाँ पर है मैं फर्स्ट आपको अर्जुना स्पेनांस और गंगा वर्तनांस के बारे में बताने जा रही हूँ. इसका जो टाइटल है अर्जुना स्पेनांस और गंगा वर्तनांस, हम कहते हैं मीडियम है स्टोन, स्टोन से बनाया था और डेट है पलवास पीरियड 7th सेंचुरी AD और फाइंडिंग साइड है मलवांसपुरम जो चेन्नई में है और साइज है 91 फीट टू 152 फीट अप्रोक्सीमेटली कहते हैं, यानी कि लगभग. आर्टिस्ट जो है अननोन है, मीन्स जो बनाया गया है उनका पता नहीं है कि किसने बनाया है. ओके, द मैन्यूमेंट ऑफ द पल्लवास कंसिस्ट ऑफ केव टेम्पल्स एंड स्ट्रक्चर्स टेम्पल्स was or a few monolithic structures. One of the most important sculptures work of this period is from Mamallapuram. The relief is on two hook boulders. The sculpture is uneven but very distinct and spontaneous in representations. So ye jo aap देख रहे हो पिक्चर्स में, आपको नजर आ रहा होगा कि कितनी क्रिएटिव तरीके से उन्होंने बनाया है. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पल्लवास पीरियड में. ये जो टेम्पल्स बनाए गए हैं ये केव में बनाए गए हैं, गुफा में बनाए गए हैं. देर इज अ फ्लो इन द होल कंपोजिशन. देर इज अ क्राउड ऑफ लाइफ साइज ह्यूमन एंड एनिमल्स फिगर. दे इंक्लूड्स गॉड्स, डेमी गॉड्स एंड sage all in the flying position. There is a cleft in between the two boulders. All the figure are so in facing the cleft. Though there are lots of movement and energy on the upper part of the relief, in the lower part of the compositions the life showing almost clamped down. So jo bhi wo log मूर्तियां बनाते थे उन मूर्तियों में वो गॉड की मूर्ति बनाते थे, इंसानों की मूर्तियां बनाते थे, जानवरों की एनिमल्स की मूर्तियां बनाते थे. सो वो हर तरह के जो उनका मोमेंट है उसका वो एक पिक्चर्स क्रिएट करते थे मूर्तियों के अंदर, फ्लाइंग का और इस तरह की मूर्तियां वो बनाते थे. द एसेंटिक फिगर इन द क्राउड हैव बीन शोइंग इन द मेडिटेटिंग पोस्चर्स. The name of the relief, according to some scholars, is a Ganga Vartanam, where Shiva has been shown receiving the flow of Gangas in his hair. The to the right of the cleft, a four-armed figure, larger than all the rest, can be identified as Shiva by the trident over his shoulders and his group of followers. So, जो शिवा की जो मूर्ति बनाई गई है उसमें हम देखते हैं कि जो गंगा से, यानी कि जो रिवर्स है उसमें से जो पानी आ रहा है, उनके बालों, उनके हेयर या बालों में से पानी गिर रहा है. तो इस तरह की वो मूर्तियां बनाते थे जो कि उसके फॉलोअर्स देखकर उन्हें बहुत ही खुशी होती थी. Other thing that it should be known as Arjuna's Pinas because a male figure which they think is Arjuna has been shown at one end in the postures of meditation. This is a dynasty Pallava period work. There is an enormous speed and monumentality in the sculptures. The animal figure and their characterizations show the close observation of the artist. So, ये जब हम देखते हैं अर्जुना स्पिनास का, तो जो भी वो टाइम्स का हम मूर्तियां देखते हैं, स्कल्पचर्स देखते हैं, तो हमें नजर आता है कि वो बहुत ही बारीकी से बनाए गए हैं, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है. फॉर एग्जाम्पल द स्लीपिंग बेबी एलिफेंट, यानी कि एक जो है हाथी का जो बेबी है, बच्चा है, वो सो रहा है. द मंकी फिगर, द डियर स्क्रैचिंग हिज नोज. ऑल द शोन देयर acute study of the natural world. The figure have softness in the treatment and roundness. This has been regarded for ages as one of the
masterpiece of the Indian sculptures from the southern part of the country. So ये बहुत ही बोल सकते हैं कि एक अद्भुत तरीके से बनाई गई बातें हैं, बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया था, जो कि जो नेचर को उन्होंने अपने जो मूर्ति में लेके आया था, बनाया था. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वीडियो में ओनली मैंने आपको जो है अर्जुनास के बारे में बताया है कि अर्जुनास का जो अर्जुनास का जो टाइटल है, अर्जुनास पिनास और हम गंगावर्तनास कहते हैं, मीडियम स्टोन साइट है, जो मीडियम पत्थर का बनाए गए थे, पत्थरों को खोद कर बनाते हैं और पल्लवास पीरियड में है. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद है, स्पेशली जो यहाँ पर जो टाइटल, मीडियम, डेट एंड फाइंडिंग साइट और साइज और आर्टिस्ट जो दिए गए हैं. सो ईच लेसन में थ्री इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने सीखी. जो फर्स्ट लेसन में हमने देखा था जो है डांसिंग गर्ल था, रामापुरा वुल्फ था और ब्लैक प्रिंसेस था. सो फर्स्ट लेसन में ये थ्री इम्पोर्टेंट थिंग थी, ब्लैक प्रिंसेस, डांसिंग गर्ल और रामापुरा वुल्फ. और ये सेकेंड चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो है अर्जुनास पिनास. अर्जुनास पिनास के बाद में जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाली हूँ वो है कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोवर्धना. और उसके बाद है एक और नेक्स्ट है जो है सुरा सुंदरी फ्रॉम कोणार्क. सो ईच स्पेशली पेंटिंग के जो बुक है उसमें तीन तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम सीखने वाले हैं या इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है हम सीखने वाले हैं. सो चैप्टर नंबर टू का ये जो फर्स्ट टॉपिक है अर्जुनास पिनास. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.